हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 15 और 16 क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डील करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जो रेंट हमें रिसीव होता है वो किस बेसिस पे हम टैक्स करवाते हैं, रेंट की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमने अपनी रेंट में ऐड करनी होती हैं, और कौन सी हमने रेंट, कौन सा रेंट हमारी डेवलपमेंट होता है अगर हम फेयर मार्केट वैल्यू और दूसरी रेंट वैल्यू में हम रेंट पर दे रहे होते हैं, तो अगर एडवांस हमें मिलता है रेंट के अगेंस्ट पर, हमें प्रॉपर्टी रेंट पर देने के अगेंस्ट, तो फिर उसको हमने किस तरह ट्रीट करना होता है, और एडवांस अगर एडजस्टेबल है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, नॉन एडजस्टेबल है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर साइनिंग अमाउंट हमें मिलती है एक एज एडिशनल रेंट के साथ और सिक्योरिटी के साथ, तो उसको हमने किस तरह से टैक्स करवाना है, और अगर दो तीन बंदों की जॉइंट ऑनरशिप है एक प्रॉपर्टी, अगर वो हम रेंट पर देते हैं और हमें उसके अगेंस्ट रेंट मिलता है, तो उसको हमें किस तरह से टैक्स करवाना है, किसके हाथ में कितना टैक्स होगा। और आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो टैक्सेबिलिटी है। अब हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सारी की सारी निकाल ली है, टोटल हमारा चार्जेबल रेंट कितना बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख हमारा रेंट बनता है, 50,000 हमारी सिक्योरिटी के अगेंस्ट हमारे पास आ जाता है, और ये बन गया 5,50,000 रुपये। अब हम पहुंच गए हैं कि हमने इस पर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। इस पर हम टैक्स, क्योंकि अभी तक हम पहले देखते आए हैं कि सैलरी के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस वगैरह बाकी लेस करते हैं, अगर हम बिजनेस से हम कोई रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंस वगैरह लेस करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट बेनिफिट को हम क्या करवाते हैं, नेट इनकम को हम क्या करवाते हैं, टैक्स करवाते हैं। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इंडिविजुअल और एओपी, जितना ग्रॉस रेंट होगा, अगर मुझे रेंटल इनकम अर्न करने में, मुझे प्रॉपर्टी अगर रेंट पर देनी है, उससे पहले अगर मैं उसको उसकी रिन्यूअल के लिए खर्चा करता हूँ, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर मेरे को पैसे खर्च होते हैं, मेरा एक्सपेंस होता है, तो वो मैं अपने उस रेंट की अमाउंट के अगेंस्ट डिडक्ट नहीं करता। ये है चार्जेबल रेंट, ग्रॉस होता है, ग्रॉस चार्जेबल रेंट इज टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक इनकम, इज दैट ग्रॉस इनकम बेसिस क्या करते हैं, उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं विदाउट कंसिडरिंग एनी डिडक्शन। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग है, उसका मेरा रेंट बनना है टोटल 1,00,000 रुपए, और मेरे उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस हुआ है उस रेंट को अर्न करने में, वो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंस हुए हैं जिन मेरे पेयर एंड मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह, ये हुए हैं 20,000 रुपये। तो नॉर्मली मुझे लॉग क्या करना चाहिए, 1,00,000 में से 20,000 लेस करने के बाद 80,000 मेरी क्या होगी, होनी चाहिए थी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर लॉ क्या कहता है कि आपने 80,000 पर नहीं बल्कि 1,00,000 पर ही टैक्स देना है। किस तरह देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा टैक्स रेट है 5%, तो मेरा जो ये अगर रेट है 5%, तो मैंने टैक्स 80,000 पे नहीं 1,00,000 रुपये पर 5% क्या करना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करना है। और सेपरेट ब्लॉक में किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, जब हम इस वीडियो के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, तो उसमें हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि हाँ सेपरेट ब्लॉक को हम के पर हमने किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करना है और इसको हमने कहाँ पर ऐड करना है। लेकिन इस वीडियो से पहले, इस सेक्शन जो अभी नया फाइनेंस एक्ट 2019 और 2020 आया है, इसमें उन्होंने एक ऑप्शन दिया है इंडिविजुअल को और एओपी के लिए, कि अगर आपका ग्रॉस रेंट साल का प्रॉपर्टी से 4 मिलियन से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप अपनी उस रेंट को नेट बेसिस, मतलब उसमें से एक्सपेंस लेस करके नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी, नॉर्मली नेट जो नॉर्मल स्लैब रेट होगा उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। तो आप अगर आपकी इनकम रेंट 40,00,000 या उससे ज़्यादा होता है, तो आप कोई भी ऑप्शन अवेयर कर सकते हैं, पहला भी और दूसरा भी, कि आप ग्रॉस बेसिस पे भी उसको टैक्स करवा सकते हैं या एक्सपेंसेस लेस करके नेट नॉर्मल टैक्स
स्लैब में भी आप क्या करवा सकते हैं, उसको टैक्स करवा सकते हैं. सेक्शन 15 ए इसको डील करता है आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का. ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड एओपी टू ऑप्ट फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर नॉर्मल टैक्स रेजिम, मतलब नेट बेसिस पे रेवेन्यू लेस एक्सपेंसिस. हमारे पास जो नेट बेनिफिट बनता है, नेट इनकम बनती है, उसको हम क्या करते हैं, टैक्स करवाते हैं बाई क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ सेक्शन 15 ए बाई न्यूली. मतलब इसमें 15 ए में डिडक्शन कौन कौन सी अलाउड हैं, उस रेंट को अर्न करने पे मेरा जो भी खर्चा होगा, अगर उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड मैंने दिया हुआ है मेरा अपना, अगर उसके बिल्स मैं पे करता हूँ, उसके जो रिन्यूअल के लिए मेरा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे मेरा जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो मैं अपने रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करके उसको क्या कर सकता हूँ, टैक्स करवाऊँगा. अभी मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं चार मिनट से ज़्यादा अगर मेरे पास रेंट है तो मैं इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकता हूँ. अब ये जहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, रेट गिवन है. अगर आपके रेंट है वो ग्रॉस अमाउंट अगर 2 लाख तक है तो उस पर आपने कोई टैक्स पे नहीं करना. अगर आपकी अमाउंट एक्सीड करती है 2 लाख से लेकिन 6 लाख तक है तो आपने जो 2 लाख से अमाउंट एक्सीडिंग होगी, मतलब अगर आपका रेंट 4 लाख है तो आपने किस तरह टैक्स कैलकुलेट करना है, 4 लाख माइनस 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 5%, आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी प्रॉपर्टी की इनकम पर. इस तरह अगर जब आपकी अमाउंट 4 लाख से 4 मिलियन से एक्सीड करती है तो फिर आप पर पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस पर ये रेट लगाएं ग्रॉस के थ्रू जो यहाँ पर रेट गिवन है, या जो आपका नॉर्मल स्लैब रेट है जो हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे सारों का, उसमें भी आप इसको क्या करवा सकते हैं, टैक्स करवा सकते हैं. ये क्या है, स्लैब रेट, डिफरेंट टैक्स रेट जो हम यूज़ कर सकते हैं. अब ये कुछ इनकम्स हैं जो हैं तो एक तरह का रेंट ही, लेकिन हम उनको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करते, हम इनको अदर हेड्स में टैक्स करवाते हैं. जैसे कि मैंने एक बिल्डिंग रेंट पर ली और उसको मैंने आगे रेंट पर दे दिया, मतलब एक मैंने एस्टेट वगैरह रेंट पर लिया उसको फर्दर सब लेंट कर दिया, सब लीज कर दिया, उससे जो मुझे रेंट मिलेगा वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होगी, टैक्स होगी. जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ेंगे उसमें डिटेल में ये चीज़ डिस्कस करेंगे. अगर मैं एक बिल्डिंग रेंट पर, अगर मेरी एक बिल्डिंग है जैसे कि फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी भी क्या है, एडेड है, तो फिर मैं उसको, मैं उससे जो मुझे रेंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, उसको मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करूँगा. अगर मुझे कोई अमाउंट मिलती है उसके अलावा, अगर मैंने एक बिल्डिंग रेंट पर दी हुई है और साथ में मैं अदर सर्विसेज भी दे रहा हूँ, जैसे कि मैस वगैरह भी दे रहा हूँ, यूटिलिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उन रेंट की अमाउंट में जो यूटिलिटीज़ और जो रेंट का पोर्शन और यूटिलिटीज़ सिक्योरिटीज एमिनिटीज़ का जो पोर्शन होगा उसको मैं कहाँ पर चार्ज करूँगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करवाऊँगा, और जो रेंट का पोर्शन होगा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, बिल्डिंग के अगेंस्ट, उसको मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाऊँगा. ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के. अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस.